हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशु व्लॉग्स। और दोस्तों, आज मैं एक सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ फ्रॉम गुड़गांव टू पराशर लेक मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि कैसे आप लोग वहाँ पहुँच सकते हैं पराशर लेक, और अगर आप लोग अपने गाड़ी से जा रहे हैं, अपने व्हीकल से जा रहे हैं, तो आपको कौन सा रूट फॉलो करना चाहिए। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो तो आप कैसे जा सकते हो, कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक सुजुकी गिक्सर SF से, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा बैग पैक हो चुका है। गुड मॉर्निंग पीपल। सो बेसिकली द प्लान वॉज कि मुझे 4 बजे उठना था, बट थोड़ा सा लेट हो गया है। मैं उठ तो गया था 5 बजे, बट तैयार होते होते मुझे बज गए हैं 6। सो अच्छी बात यह है कि मुझे पूरे 6 घंटे की नींद मिली है, और जिससे कि मुझे राइड में मज़ा आने वाला है। और थोड़ा सा मैं लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई थिंक अगर मुझे ज़्यादा लेट हो गया तो मुझे मंडी में कहीं होटल में स्टे करना पड़ेगा। और ये दौड़ सही है, सही है। घर को निकलना क्या? नहीं यार, मैं हिमाचल जा रहा हूँ। हिमाचल चल, बढ़िया बढ़िया। और ये मेरा फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है बेसिकली, और अभी अचानक से मिल गया। पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, एक्चुअली मेरी बाइक देख के लोग पहचान लेते हैं, तो मेरे बाइक पे वो मेरा यूट्यूब का लोगो भी लगा हुआ है, तो उन्होंने उसने आवाज़ लगाई और मैंने देखा तो सबने साइन लगे। बात ये काफ़ी अच्छा लगता है, लोग मैंने पुराने दोस्त अगर अचानक से रैंडमली मिल जाए। तो गाइस, चलते चलते आई एम मिड ऑफ नोवेयर, और मुझे नहीं पता मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, बट बिलासपुर यहाँ से करीबन 25 किलोमीटर और आगे है। और यहाँ पे मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ पानी वानी पीने के लिए, और प्लस गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, बनता है भाई इतने लंबे ट्रिप में। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि मैं आपको रूट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बताऊँगा इस वीडियो में। सो गाइस, अगर रूट की बात करें तो आप सीधे गूगल मैप फॉलो कर सकते हैं। तीर्थपुर से अचानक से जो है एक गंदा सा पैच आता है रोड का, जहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं। थोड़ा संभल के आएँ अगर आप अपनी गाड़ी लेके या फिर बाइक से आ रहे हो तो। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हैं तो सीधा सीधा है, दिल्ली से आप सीधे बस ले लीजिए, दिल्ली टू मनाली बस चलती है, वो आपको मंडी ड्रॉप कर देगी। तो उसमें वॉल्वो भी चलती है, जाने दो गाड़ी। तो अगर आप वॉल्वो से आना चाहते हैं तो आप वॉल्वो से आ सकते हैं, उसका टिकट 1200 रुपये के आसपास पड़ेगा, जो आपको थोड़ा सा एक डेढ़ घंटा पहले पहुँचा देगी। और जो नॉर्मल बसेस हैं उसका टिकट सस्ता है, 300-400 या 250 रुपये के आसपास पड़ेगा आपको। आप चाहे तो प्री बुकिंग भी करा सकते हैं, और वहाँ से भी आप जाके बस स्टैंड से टिकट ले सकते हैं। सुबह बस चलती है 7 बजे से 8 बजे के बीच में, और वो आपको यहाँ पे छोड़ देगी शाम को 4-5 बजे के बीच में। तो गाइज ये है, और प्लस ये जो टी शर्ट जो आप देख रहे हैं ये मैंने बाली से ली थी, कभी पहनने का मौका नहीं मिला तो मुझे लगा इस ट्रिप में पहननी चाहिए। और अगर आप लोगों ने मेरी बाली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर, अगर बोले तो रास्ता काफ़ी दर्द भरा है, बिकॉज रोड जो है काफ़ी ख़राब है, आपको नहीं पता कब गड्ढा और कब गाड़ी सामने से आ जाए मोड़ में, काफ़ी मुश्किल है। और बट अच्छा एक्सपीरियंस है। हालांकि मुझे अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहिए, बिकॉज मुझे टाइम से लेक तक भी पहुँचना है, पराशर लेक तक, जो कि मंडी से थोड़ा सा और आगे है। और नो डाउट वहाँ पर रास्ता भी काफ़ी कच्चा होगा और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा जाने में, पर ठीक है, रेस्ट भी तो बनता है भाई। मेरे हाथ भी थोड़े गंदे हो रहे हैं यार, लेकिन क्या करें। I'm alone, I'm a broken home, I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking. So total यहाँ से अभी जो मेरा डेस्टिनेशन है पराशर लेक 94 किलोमीटर दिखा रहा है इस पर गूगल मैप। और वैसे मैं मंडी में एंट्री कर चुका हूँ, और यहाँ पे जो आनंद फूड कॉर्नर है बिल्कुल रोड के जस्ट बगल में है, यहाँ पे मैं आज अभी लंच कर रहा हूँ। और आई होप कि उजाले उजाले मैं पहुँच जाऊँ, ताकि रात का टाइम ना हो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से थोड़ा जंगल वाला एरिया भी है पराशर लेक की साइड। But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. So guys, 6 बजने वाले हैं और मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूं। 35-37 किलोमीटर से भी रहता है पराशर लेक यहां पर से,
और लास्ट का जो पैच है रोड का बहुत ख़राब है सीरियसली। अगर आप मेरे पीछे देखोगे ये ऐसी पथरीली सड़क है पूरी, यहाँ से लेके जहाँ अभी कम से कम 2-3 किलोमीटर तक तो मैं ऐसी पथरीली सड़क पे आया हूँ और स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है उसमें, शायद मे भी मुझे 1-2 घंटा भी लग जाए पहुँचने में। देखते हैं अंधेरे से पहले मैं पहुँच पाता हूँ या नहीं पहुँच पाता हूँ। लेकिन ये दोस्तों हमेशा याद रखें, अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो प्रिपेयर हो गए हैं, ऑलमोस्ट डन है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है और यहाँ पे एक अलग ही एरोमा है, ठंडी ठंडी हवाएं जो टच कर रही है ना, अलग ही फील आ रहा है एकदम। सात बज के 13 मिनट और मैं पहुंच गया हूं कैंप साइट के पास। यहां पे चारों ओर अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, काफ़ी चिल्ड मौसम है एकदम, हाथ ठंडी से जम गए एकदम। और कैंप वाले को मैंने फ़ोन कर दिया है, वो बोल रहा है कि आप 5 मिनट रुक जाओ, मैं अपनी बाइक लेके यहां पे आ रहा हूं। कैंप साइट यहां से थोड़ा सा दूर आएगा, 1 किलोमीटर के पास, और पराशर लेक भी यहां से 1 किलोमीटर है। अब ये जो आगे रास्ता है वो बहुत कच्चा सा रास्ता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो पूरा पथरीला रास्ता है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि उस बंदे को आने देता हूँ, तो दो लोग होंगे तो आसानी से रास्ता भी कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस अराउंड 8 बज चुके हैं और मैं फाइनली कैंप में पहुँच चुका हूँ, और कैंप में माहौल बना हुआ है, एक ग्रुप आया हुआ है ऑलरेडी और बॉन फायर चल रहा है, प्लस कैंप में मैंने अपना सामान सारा डाल दिया टेंट के अंदर। और सुबह का प्लान ये है कि हम लोग सुबह जाएंगे ट्रैक के लिए पराशर लेक। सो गाइस ये धरेंद्र जी है जिन्होंने बड़ी हेल्प करी मेरी, रोड से जो इधर का रास्ता है कैंप इस कैंप साइड एरिया का काफ़ी रिस्की है और पूरा ऑफ रोडिंग है, तो इन्होंने मुझे कंपनी देने के लिए वहां तक बाइक से आए थे, और प्लस कैंप यही चलाते हैं, आप ही चलाते हो ना सारे कैंप वगैरह। और आप लोगों को कभी भी इधर आना हो पराशर लेक की साइड, तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर तो आपको डिस्काउंट भी देंगे। अच्छा गाइस मैं आपको यहाँ का किचन दिखा देता हूँ, इतने बड़े जंगल के बीच में इन लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा प्रॉपर मील ये प्रोवाइड करते हैं और काफी अच्छे तरीके से खाना बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा गैस वैस, कोई गंदगी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, साफ किचन है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि खाना काफी अच्छा है, बाकी खाने के बाद पता लगेगा, लेकिन देखने के बाद पता लग रहा है कि काफी अच्छे तरीके से बनता है।